हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में। देखिए, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जब हमारे पास हमारी आर्म फोर्सेस की बात आती है। और इसके रिलेटेड जो पेपर में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है और इसकी वर्किंग कैसे है, उस सबको लेकर आपको मेन्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अभी हाल ही के दिनों में डिसीजन क्या लिया गया है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अभी हाल ही के दिनों में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया जिसमें जो 11 जजेस की पोस्ट वेकेंट चल रही थी हमारे पास आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अंदर, उसको फिल करने की बात कही है। कुछ जो बाकी पोस्ट भी थी उनको फिल करने की बात की गई है। ये बहुत टाइम से हमारे पास जो पोस्ट थी वो वेकेंट चल रही थी, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा था। चलिए, आज इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो न्यूज़ जैसा कि हमारे पास जो आई है, द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट टू फिल 23 वैकेंसीज इंक्लूडिंग 11 एज जुडिशियल मेंबर्स एंड 12 अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स इन द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। अभी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल होता क्या है, ठीक है, पहले तो सवाल यही उठ जाता है। लेकिन सबसे पहले आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी आर्म फोर्सेस है, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनको जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उस तरह से अवेलेबल नहीं है जैसे बाकी भारतीयों को अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर इनके फंडामेंटल राइट्स को लेकर अलग लॉज हैं तो इनके कोड्स को लेकर भी हमारे पास अलग से सिस्टम बना हुआ है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले जब मैं आपको याद दिला दूं कि आर्टिकल 33 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एम्पावर करता है किसको, पार्लियामेंट को, टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। और ये किस लिए, ताकि ये एंश्योर किया जा सके कि वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करें। ये जो पावर है वो हमारे पास पार्लियामेंट को दी गई है। अगर आपने पार्लियामेंट को एक स्पेशल पावर दी और कहीं ना कहीं आपने फंडामेंटल राइट्स को जो है हमारे पास आर्म फोर्सेस को लेकर रिस्ट्रिक्ट किया है, तो बाकी चीजों में उन्हें हमारे पास कुछ ना कुछ आपको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन देना पड़ेगा ताकि स्मूथली सिस्टम रन हो सके। तो आपको पता होगा कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो है वो हमारे पास यहाँ पर काम करता है किस लिए, जो आर्मी के केसेस होते हैं, बेसिकली आर्म फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो केसेस होते हैं उनको लेकर ये काम करता है। और ये 2008 में बॉडी बनाई गई थी अंडर द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007। तो ये बनी कब है, 2008 में, ठीक है। कहाँ, 2008 में क्यों बनाई, उसका रीजन था 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी, ठीक है। और उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में हमारे पास ये चीज कही गई थी कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल होना चाहिए मिलिट्री फोर्सेस के लिए, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो उसी के चलते 2008 में हमारे पास ये आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल बना अंडर द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007। तो एक्ट याद रखेंगे। इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहां पर लोकेटेड है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसकी प्रिंसिपल बेंच लोकेटेड है। इसके अलावा 10 और बेंचेस जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रिंसिपल बेंचेस है दिल्ली और बाकी बेंचेस आपको देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल जाएंगे। तो ये किस चीज को लेकर कंप्लेंट्स यहाँ पर देखने मिलती हैं, रिलेटेड टू कमीशन, अपॉइंटमेंट्स, एनरोलमेंट्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज कंसर्निंग द आर्मी एक्ट 1950, द नेवी एक्ट 1957, द एयरफोर्स एक्ट 1950, ठीक है। तो इनके से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी केस जो आर्मी में हमारे पास सब्जेक्टेड होता है जो कहीं ना कहीं रिलेट करता है आर्मी के डिफरेंट बेसिकली एरियाज को लेकर, स्पेशली जो कोर्ट मार्शल के केसेस होते हैं, अब आप सोच के चलिए कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसमें पेंडेंसी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि नॉर्मली हमारे देश में क्या होता है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब एक बार आपका केस जो है वो कोर्ट में गया तो आपको पता होगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यहाँ पर सब कुछ बहुत डिसिप्लिन तरीके से चलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एयरफोर्स में जैसे मान लीजिए किसने कोई गड़बड़ी की, ठीक है, और उसका ट्रायल चल रहा है, उसका केस अभी ऑनगोइंग है, ठीक है, हमारे पास ट्रिब्यूनल के साथ केस ऑनगोइंग है। तो जितने दिन वो जेल में बंद रहेगा उसकी जेल के बाहर कोई ना कोई ऑफिसर, मतलब ऑफिसर तो नहीं, जेल के बाहर किसी एयरफोर्स से सब्जेक्टेड पर्सनल को तैनात किया जाएगा। तो उसका जो खर्चा होगा, उस पर्सनल का जो खर्चा होगा वो जो हमारे पास कन्विक्ट है उसको पे करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो कि यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन तरह से जो स्ट्रक्चर है वो चलता है यहाँ पर। और इसी के चलते आप देखिए कि केसेस की सुनवाई जो है वो तेजी से करानी है, चीज़ों को स्मूथली रन करना है, तो इसलिए आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो है वो अलग से काम करता है। चंडीगढ़ में भी आपको आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का जो सेंटर है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास प्रिंसिपल जो हमारे पास बेंच है वो दिल्ली में है, बाकी 10 और जगहों पर हमारे पास ब्रांच जो बेंचेज है वो देखने को मिलेंगी। खास बात क्या है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के फॉर्मर जजेस होते हैं
उन्हीं को ही हमारे पास अपॉइंट किया जाता है एज अ जज। जैसे कि अगर हम बात करूं अभी अभी राइट नाउ राजेंद्र मेनन जो है इंडियन जज है प्रेजेंटली, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। तो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के हमारे पास अभी राइट नाउ चेयरपर्सन कौन है? राजेंद्र मेनन। और देखिए ही इज द फॉर्मर, हाँ जी, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट। ये दिल्ली हाईकोर्ट के इससे पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हाँ जी, क्लियर। तो मान लीजिए अब यहाँ पर अगर कल को किसी भी नए जज की अपॉइंटमेंट करनी है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में, तो एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज को जो इतना सारा एक्सपीरियंस लेकर बैठा है उसको एज अ हमारे पास जज अपॉइंट किया जाता है, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश जो है यहाँ पर ना रहे, सब कुछ चीज़ें जो है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की जाती है इन कोर्ट्स में, जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो हमारे पास डिसाइडेड है, दैट इज इंग्लिश। ठीक है, सारी की सारी जो प्रोसीडिंग होंगी वो इंग्लिश में होंगी। ठीक है, और हमारे पास इनके जो डिसीजंस होंगे वो हमारे पास थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो वैलिड होंगे। ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर एक और चीज़ की, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस जो हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। जैसे वन ऑफ द एक्सेप्शन इज असम राइफल, ठीक है, एंड कोस्ट गार्ड। देखो असम राइफल्स की अगर मैं बात करूँ ना, असम राइफल्स बेहद खास है अपने आप में। क्यों खास है? ये हमारे पास ओल्डेस्ट डिवीजन है जो भारत में हमारे पास बहुत समय से काम करती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, लेट्स इफ वी टॉक अबाउट द असम राइफल, तो असम राइफल्स की जो हमारे पास बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट है तो वो हमारे पास हुई थी यहाँ पर ब्रिटिश टाइम पीरियड में। ओके, ब्रिटिश टाइम पीरियड में हमारे पास असम राइफल्स को एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1835। ओके, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा, इसको दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज मिलकर ऑपरेट करती है असम राइफल को। इस सबसे खास है असम राइफल, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है। ठीक है, इसकी जो असम राइफल्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें ऑपरेशनल कंट्रोल की, तो ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखते हैं, यानी कि दो मंत्रालय अलग अलग। मैं फिर से बता दूं कि जो इसका ऑपरेशनल कंट्रोल है असम राइफल का, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है। लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है। तो ये दो मिनिस्ट्रीज यहां पर इन्वॉल्व है, और असम राइफल जो है वो 1835 में एस्टेब्लिश हुई थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिवीजन है अगर हम पूरे वर्ल्ड की यहां पर बात करें तो। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम यहां पर बात करें तो इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिवीजन। और अभी अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप चीज याद रखिएगा। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ असम राइफल? तो शिलोंग मेघालय। ठीक है, फिर इंडिया की कोस्ट लाइन जो है, देता हूं मैं, शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा असम राइफल का। फिर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का भी थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि भारत की तटरेखा ऑलमोस्ट 7500 किलोमीटर लॉन्ग है, 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। इतनी लंबी तटरेखा की जो गार्ड करने के लिए वो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, ICG जो है वो काम करता है। तो पैरामिलिट्री हमारे पास फोर्सेज इंक्लूडिंग असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, ये हमारे पास ट्रिब्यूनल के कंट्रोल में नहीं आती। इनके केसेस जो है वो नॉर्मल हमारे पास जो कोर्ट्स है वहां पर प्रोसीड किए जाएंगे। जो हमारे पास आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, याद रखिएगा, कंसिडर टू बी द क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, और हमारे पास IPC और CRPC जो है उसको मेनली यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ AFT, ठीक है, अगर मान लीजिए आप AFT के, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है, लेट सपोज यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप अपने एरिया की हाई कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप AFT के डिसीजन के खिलाफ जो है वो अपना अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कहीं पर भी अप्रोच करने की जो परमिशन है वो नहीं दी जाएगी। तो ये अपने आप में बेहद कुछ खास पॉइंट्स हैं जो सब्जेक्टेड है हमारे पास आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से। तो पिछले काफी समय से हम देख रहे थे कि काफी समय से हमारे पास जो पोजीशन थी, काफी महत्वपूर्ण पोजीशन थी जो वेकेंट थी, जिसकी वजह से प्रोसीडिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही थी हमारे पास, और उसी के चलते भी फाइनली बहुत देर बाद, देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने अब डिसीजन लिया है कि जजेस की जो बहाली है वो जल्दी ही की कर दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए, और कौन कौन इसके प्रीव्यू में आता है, कौन कौन नहीं आता, वो सब पता होना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारे पास टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कुछ नया आपको जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।